हम बहुत सारे लोगों के आसपास रहते हैं या फिर उनके कांटेक्ट में हैं। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो लोगों से बहुत घिरा हुआ रहता हूँ, ये सिर्फ वीडियो में बताने के लिए। अब यहाँ पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले तो वो जिनके पास टॉपिक ना होते हुए भी बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, टॉकेटिव, बोलते ही जाते हैं, हमें बोलना पड़ता है कि शांत हो जाओ भाई अब। और सेकेंड, वो जिनके पास टॉपिक होते हुए भी बोलने के लिए कुछ नहीं होता, इंट्रोवर्ट लाइक मी। अब एक टॉपिक है अपने पास, फर्स्ट वाला उसे बताने में 5 मिनट लगाएगा एंड सेकेंड वाला उसे बताने में 30 सेकेंड। अब चूज करना आपको है कि आपको सुनना किसे है, आपको कहानी चाहिए या किससे। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रील्स से, मैं खुद भी रील्स बनाता हूँ, पर रील्स में वो मज़ा नहीं जो यूट्यूब वीडियो में है। यूट्यूब वीडियो एक मूवी लगता है, रील्स उसका सिर्फ एक ट्रेलर है। नास समिट में एक पॉइंट छेड़ा गया था, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट अच्छा है या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, एंड वहाँ पर दोनों तरह के लोग थे एंड दोनों तरह की ऑडियंस भी है, तभी भी ये कंटेंट परफॉर्म कर रहा है। अब मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो देखने वाले भी लोग कुछ होंगे, एंड कोई रील्स बना रहे हैं, मैं कुछ भी रील्स बनाऊँ तो रील्स देखने वाले लोग भी हैं, तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि उन्हें देखना क्या है, कौन सा स्विच ऑन ईजी रहता है। अब मेरे हिसाब से तो दोनों डिफिकल्टी है भाई। अब मुझे जो पता है 3 मिनट में बतानी, वो 30 सेकंड में मैं कैसे बताऊँ, मुझे चॉप अप करके बिठाना पड़ेगा। एंड जो शॉर्ट फॉर्मेट से आ रहा है, मेरे हिसाब से उनके पास ऑडियंस का अटेंशन है तो वो कुछ भी बातें करें 3 मिनट तक, लोग उन्हें सुनेंगे। पर जो लॉन्ग फॉर्मेट में है वो शॉर्ट फॉर्मेट में उन्हें भी सुनेंगे, तो दोनों तरफ से विन विन गेम है। आपको जो चाहे वो कर सकते हो, अटेंशन रील्स पे ज़्यादा है तो वो बनाना ईजी है, तो आप वहीं पे गेन कर सकते हो एंड वहाँ से ग्रो कर सकते हो। तो सबके अपने अपने पॉइंट हैं, ये मेरा पॉइंट था एंड आई होप ये आपको कुछ हिसाब से वैलिड लगा हो। ना लगाओ तो लाइक ठोको, लगाओ तो भी लाइक ठोको। हमें तो लाइक चाहिए, व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कैच यू इन द नेक्स्ट वन।